हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल आई सी और सेफ्टी। अगर दोस्तों आप एल आई सी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको इन चार पांच बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, आपकी एल आई सी पॉलिसी में जो भी नॉमिनी रजिस्टर्ड है, अगर वो जीवित नहीं है तो सबसे ज़रूरी काम यही है कि आपको अपनी पॉलिसी में जो नया नॉमिनी जो भी आप ऐड कराना चाहते हैं उसे अपडेट कराइए, ताकि आपको आगे भविष्य में कोई क्लेम आने पर परिवार को या नॉमिनी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप ज़रूर अपने नॉमिनी अगर जीवित नहीं है तो उसको ज़रूर चेंज करवाइए अपनी पॉलिसी में। दूसरा, अपनी पॉलिसी के में अगर कोई मोबाइल नंबर आपका चेंज हो गया है या एड्रेस या ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है या चेंज कर लिया है अपने, तो उसको अपनी पॉलिसी के साथ ज़रूर अपडेट करवाइए, ताकि आपको जो बैंक से जो सॉरी एलआईसी से जो नोटिफिकेशन है वो आपको आपके मोबाइल नंबर पे मिलते रहें, या जब भी आप प्रीमियम भरे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तीसरी चीज़, अपनी एलआईसी पॉलिसी में अपना आधार नंबर और पैन नंबर ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएँ, उसे ज़रूर अपडेट करवाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मैच्योरिटी के टाइम पे या क्लेम के टाइम पे टैक्स बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी पॉलिसी जो आपने ले रखी है उसका रिस्क कवर ज़रूर चेक करना है। आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर इतना होना चाहिए कि अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है आपके साथ, कोई दुर्घटना हो जाती है, आप नहीं रहते परिवार के बीच में, तो कम से कम 8 से 10 सालों तक की व्यवस्था उस पॉलिसी से होनी चाहिए, ताकि आपके परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपना रिस्क कवर ज़रूर बढ़ाएं, इतना तो कम से कम हो कि आगे भविष्य में परिवार को कुछ अनहोनी होने पर दिक्कत ना आए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपनी पॉलिसी में आप ज़रूर चेक करेंगे इन चीज़ों को, ताकि आगे आपको और आपके परिवार को किसी दिक्कत का सामना ना झेलना पड़े। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.